कल से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर जो नज़ारा दिखा रहा हूँ, मेरे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर एक काजू का फैक्ट्री यहाँ पर बना हुआ है, और हर साल बारिश में हमें यहाँ ज़्यादा फोन आते हैं। काय नाव तुमचं? मालक का। तुमचं नाव कोणाला साथ दिसला? उमेश मालकाला दिसला की मालक। त्यांनी कुठे? त्यांनी ते एका बैला जरा हे केलं, त्याला दवाखान्यात घेऊन गेलं। मी ते चेक करून बघा म्हटलेलं की तुम्हाला, चेक करून बघा म्हणून सांगितलं, त्यांना फोटो टाकले बरं जरा सर असू देत। कोणाला त्यांना उमेश नाव दिसला का साहेब? हो, तिथं आहे ना तिथं। काय नाव मालकांचं म्हटलं? उमेश पाटील। उमेश पाटील उनका एक फैक्ट्री है, सुलगा करके आता है, सुलगा बेनाली रोड करके आता है ये, और यहाँ पर ज़्यादातर महिला ही काम करती है इस तरह से। मशीन वगैरह है और यहाँ पर ये दरवाजे में अटका हुआ है। क्या नाम तुझे? शंकर। शंकर के गले में सांप होता है पता है कि नहीं? अभी शंकर ही है कैमरामैन का काम करेगा, और इस बेचारे सांप को जो अटका हुआ है उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। ओड़ा ओड़ा हाँ हम पकड़ा लो। अगर ये दरवाज़ा खींचने को नहीं आता था तो बुरी तरह से आप उसमें अटक गया था, और गंभीर स्वरूप से वो घायल जख्मी हो सकता था, लेकिन आसानी के साथ ये दरवाज़ा खींचने को आया। सर ने भी हमें मदद किया तो उसको हम निकाल पाए। ये माउंटेन ट्रिंकेट है, जो उसमें से बड़ी जाड़ी पट्टियाँ दिखाई देती है, ये बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन इस साल में ज़्यादा, और लगातार हमने 6 पकड़े, उसमें से कोई भी मतलब सामान्य तौर पर दिखाई देने वाला आभूषण सांप नहीं है। ये माउंटेन आभूषित सांप है, यानी पर्वतीय आभूषित सांप कहा जाएगा, और शांत रहता है। लेकिन यहाँ की जो महिला की क्या नाम? उमेश पटेल। उमेश पटेल कर लो हो क्या भाई? भाई भाई लता करके उनको भी मतलब दरवाजे निकाल रहे थे क्या? दरवाजा निकाल रहे थे तो एक यहाँ की लेडीज को ये सांप ने काटा, मतलब ये डर गया होगा और उस वक्त काटा होगा। अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, मतलब इतनी तरह से अटका हुआ था, और हार्ट की तरफ मुझे दिखाई दे रहा था कि थोड़ा और ज़्यादा ये होता था तो उसको प्रेशर आता था, या वहाँ से खींचना वगैरह पड़ता था तो दरवाजे में ये इस तरह से जहाँ पर अटका हुआ था वहाँ पर कुचला भी जा सकता था, लेकिन आराम से मिला क्योंकि दरवाजा खींचने को आया। इसलिए आमतौर पर ये सांप दिखाई देता है, ये भी धामन की तरह ज़्यादा चूहे खाता है, इससे कोई भी खतरा नहीं है। और आप अपने घर में वगैरह इसको देखते हैं पाते हैं तो थोड़ी सी पहचान करवाएगा, थोड़ा सा नज़दीक बैठा जरूर है। तो ये इस तरह से डिज़ाइन रहता है, ये थोड़ा सा जो धारीदार ढोरिया है उससे मैच करता है, लेकिन आप देख सकते हैं बड़ा मुंह और यस तरह का अपना शरीर का आकार बनाता है और काटने को आता है जब वो डर जाता है, एक उसकी पहचान है। और सामने वाली देखिए घुंघरू की तरह इसके ऊपर जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, काली गोल गोल ऐसी लाइनिंग दिखाई देती है, आड़ी पट्टियाँ, और पीछे की तरफ देख सकते हैं आप इसके ऊपर ऐसी लंबी धारियाँ रहती है। और ये जो सांप है जैसे कि धारीदार ढोरिया जो सामान्य तौर पर इससे भी ज़्यादा शांत होता है, वो उससे भी बहुत मैच करता है, रात में निकलता है, और इन दिनों में बारिश के सीज़न में ज़्यादा, और सितंबर के दरमियान ये अंडे वगैरह डालने को बाहर निकलते हैं, मेटिंग सीजन होता है तो बाहर निकलते हैं। इससे कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि विषैला बिल्कुल नहीं है, आपके घर के आस पड़ोस में आ जाता है तो डरिए मत और इसको मारिए मत। उम्मीद है ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, मेरी जानकारी आप तक पहुँच गई होगी, और इसी तरह की वीडियो या जानकारी सुनने के लिए ज़रूरी है। देखिए यहाँ की महिलाओं को सांप ने काटा, उनको अगर पूरा पता है कि जहरीला नहीं है तो डरते नहीं थे, अब ये बिन विषैला सांप है फिर भी उनको क्या बोल रहे हो, उधर से हाथ में झंझनाहट आ रही है, मतलब डर से क्या क्या हो सकता है। देखो सांप तो बिन विषैला है, और उनको अभी अस्पताल में लेके गए, अभी इधर आने के बाद मुझे पता चला, तो ये डर ही नहीं रहेगा।
जानकारी रहेगी तो आप अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, नौबत नहीं आती थी। तो आपके भी आस पड़ोस में हो सकता है ऐसे हादसे हो, तो डरिए मत। और ऐसे कुछ बिन विषैले सांप है उनकी आप पहचान करवाते हैं तो आपको ना ही अस्पताल में जाने की जरूरत है, ना ही डरने की जरूरत है, या ना ही सांपों को मारने की जरूरत है। इसी तरह सांपों को बचाने का सिलसिला जारी है, आपकी बिना अधूरा है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह हम जानकारी देते रहेंगे, डर दूर करने का ये मिशन लोगों तक पहुंचने के लिए अपने लोगों में, दोस्तों में, परिवार में, रिश्तेदारों में वीडियो फैलाएगा ताकि इस तरह के सांप उनकी जानकारी उन तक पहुंचे और डर दूर हो सके। 3 लाख सब्सक्राइब पार हो चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, सांपों की ओर से शुक्रिया। यहाँ पर रुकते, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको पसंद आते तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाए। धन्यवाद।